जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा व्हाट्सअप का जो बैकअप है उसे आप बंद कैसे कर सकते हैं या फिर आप उसे ऑफ कैसे कर सकते हैं। यूट्यूब पे इसकी ढेर सारी वीडियो हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी वीडियो भी हैं जिनमें आपको गलत बताया गया है। आपको केवल व्हाट्सअप के अंदर ही बैकअप बंद करने का ऑप्शन बताया गया है, लेकिन एक और ऑप्शन होता है जिसे आपको बंद करना है, तभी आपका जो व्हाट्सअप का जो बैकअप है वो बंद होगा। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं उसकी आप जानना चाहते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं बैकअप लगाने के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, वो आप देख लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने व्हाट्सअप का जो बैकअप है उसे बंद करना चाहता हूँ, टर्न ऑफ करना चाहता हूँ, तो आप कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आप अपने व्हाट्सअप में आ जाइए, ठीक है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चैट का, चैट पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ मिलेगा चैट बैकअप का, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारा यहाँ गूगल ड्राइव लगा हुआ है चैट बैकअप में, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, बैकअप टू गूगल ड्राइव पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेवर कर देना है, ठीक है। मैंने नेवर कर दिया, लेकिन अब ये बैकअप नहीं हटा है क्योंकि ये जीमेल अकाउंट लगा हुआ है आपका, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पे जीमेल अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जीमेल अकाउंट हटाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है व्हाट्सअप के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो, अपने सबसे पहले व्हाट्सअप से बिल्कुल बाहर निकल आइए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे निकल आया हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, आप अपनी जीमेल पे क्लिक करना है। तो चलिए, मैं जीमेल पे क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो भी आपकी जीमेल वहाँ व्हाट्सअप में लगी थी बैकअप पे, वही जीमेल पे आप सिलेक्ट कर लेनी होगी, ठीक है। जैसे कि मेरे फ़ोन में एक ही है, तो आपकी व्हाट्सअप पे जो जीमेल लगी है उसी को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ मिलेगी आपको, अगर आपके फ़ोन में एक से ज़्यादा मल्टीपल हैं तो, ठीक है। उस वक्त मैनेज योर गूगल अकाउंट, या फिर यहाँ पर लिखा होगा गूगल अकाउंट, उस पर आप टैप करेंगे। मैंने टैप किया, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना है, ठीक है। उसके बाद इससे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है एक सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, आप नीचे की तरफ जाएंगे इस तरीके से, तो ये देख सकते हैं थर्ड पार्टी एप्स विद अकाउंट एक्सेस। तो यहाँ पे मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस पे, पार्टी एक्सेस पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने कर दिया, यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी है इस तरीके से है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं भी दिखाता हूँ, जैसे आप व्हाट्सअप मैसेंजर है इस पर आप लॉन्ग इस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने कर दिया क्लिक, रिमूव एक्सेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यहाँ हटा देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ से हट गया, लेकिन एडोबी स्क्रीन का यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हटा दिया, अब आपको यहाँ से बैक चलना है। अब आपके बैकग्राउंड के अंदर जितने भी ऐप यहाँ रन हो रहे हैं उन्हें यहाँ से आप क्लोज ऑल कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे व्हाट्सअप को भी हटा देता हूँ, हटा दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने व्हाट्सअप पर क्लिक करूँगा, इस तरीके से मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल हट गया है चैट बैकअप, जैसे कि दिखाता हूँ। मैं सेटिंग पे गया, चैट पे गया, चैट बैकअप पे गया, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आ रहा है, लेकिन अभी आ रहा है, कुछ टाइम बाद ये हट जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, अपने प्ले स्टोर पर जाके अपने व्हाट्सअप को अपडेट कर लीजिए, वो वहाँ से हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ये एक्सेस आपने दिया था, ठीक है। जैसे मैं डाल देता हूँ व्हाट्सअप, तो वो हट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो अपडेट करके आप हटा दीजिए, हट जाएगा, ठीक है। जय हिंद, या थोड़ा वेट कर लीजिए।